वेलकम एवरीवन। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में है। और अभी हम पढ़ रहे थे वेरियस रोल्स जो हैं जुडिशरी में, जो अलग अलग रोल्स आते हैं, जैसे कि पुलिस का क्या रोल रहता है, जज का क्या है, ठीक है, लॉयर और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो इन सभी की क्या भूमिका रहती है, ये हमने आगे पढ़ना है। इनमें से हम जो पुलिस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो हम प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका, वो कैसे अपनी भूमिका निभाता है कोर्ट के अंदर। तो देखिए, टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। ठीक, कोई भी एक क्रिमिनल ऑफेंस जो पब्लिकली रॉन्ग हो उसको गलत माना जाता है। सो वट इज़ मीन्ड बाई दिस, दैट इज़ इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज ए होल। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो भी कार्य जो इसको एज ए ऑफेंस माना जाता है, ठीक है, उससे सिर्फ विक्टिम ही नहीं, मतलब जिसके खिलाफ, जिससे वो कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुआ है उस अपराध से, ठीक है, सिर्फ वो व्यक्ति अपराध प्रभावित ना हो करके बाकी समाज भी उससे प्रभावित होता है। वो कैसे होता है, कैसे अफेक्ट होती है सोसाइटी, वो हम देखेंगे। सो डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डोरी, डेथ ऑफ सुधा दैट वी रेड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है जो सुधा की कैसे डेथ हुई थी, उसमें कोर्ट का कैसे ट्रायल चला था, जो उसके मदर इन लॉ हैं, जो उसके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोर्ट ट्रायल चला और उनको वेरियस जुडिशरी सिस्टम में जो है उन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि वो इसके लिए निर्दोष हैं, एक्यूज्ड नहीं है वो। सो द केस अगेंस्ट द लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेटेंटेड बाय द स्टेट प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। और जो लक्ष्मण और उसकी फैमिली का जो केस था, ठीक है, वो स्टेट ने प्रेजेंट किया था, स्टेट की जिम्मेवारी बनती। सो दैट इज़ वाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट। ठीक है, तो इस केस को हम बोल सकते हैं या फिर बोला जा सकता है स्टेट, स्टेट केस। ठीक है, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, जो स्टेट और जो लक्ष्मण कुमार हैं उनके उनके बीच का जो केस है वो माना जा सकता था, क्योंकि डोरी जो है उनके ऊपर आरोप था इस चीज़ का कि उन्होंने इसके उनसे जो प्रेशर बनाया है दहेज के लिए, ठीक है, इसलिए उसको उसकी डेथ कर दी उन्होंने, उनकी वाइफ की। तो स्टेट ये प्रूव करना चाहता था कि वो रॉन्ग है, जबकि वो लक्ष्मण जो है या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने आप को डिफेंस करना चाहते थे, अपने आप को डिफेंड बचाव करना चाहते थे। सो सिमिलरली इन द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेज शांति हेम्ब्राम एंड नॉट मिसेस सिंधे एंड वर्सेज शांति हेम्ब्राम। तो ऊपर आपने पढ़ा होगा जो गोल्ड चेन का जो मिसिंग केस था, ठीक है, मिसिंग गोल्ड चेन का जो केस था, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो केस है वो आपने स्टेट और शांति के बीच में है, शांति हेम्ब्राम, क्योंकि जो एक्यूजेशन लगाया गया था, ठीक है, वो किसके ऊपर लगाया गया था, शांति के ऊपर, ठीक है, जो दोष लगाया गया था, और इसके खिलाफ जो है रिपोर्ट जो है जो कंप्लेंट है वो मिसेज सिंधे ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, ठीक है, वो एज ए स्टेट को डिफेंस, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो दोषी है तो उसके ऊपर उसको दोष को जो है साबित करने का कार्य रहता है, कोई ऑफेंस है, ठीक है, तो उसको साबित करने का जो कार्य रहता है वो रहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो ये हम केस ऊपर जो है शांति वर्सेस
मिसिस सिंधेना पढ़ करके इसको हम पढ़ेंगे, स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। सो इन इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। और कोर्ट में जो है स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट मतलब जो उनके सही कार्य होता है, ठीक है, उनके पक्ष के जो कार्य रहते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्ज शीट इन द कोर्ट। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल तब स्टार्ट होता है जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और एक चार्जशीट तैयार करती है, कोर्ट को वो प्रोवाइड करवाती है। ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं रहता है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। और प्रोसिक्यूटर को राज्य के बिहाफ पे, राज्य की तरफ से जो है उसकी उसका पक्ष लेना होता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मेटीरियल फैक्ट्स विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू अनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। तो कोर्ट का ऑफिसर होते हुए, कोर्ट का अधिकारी होते हुए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो केस को इम्पार्शली मतलब बिल्कुल बिना भेदभाव के जो है प्रेजेंट करे उसको, और जो मेटेरियल फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, केस से जुड़े हुए जो संबंधित फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो उसको ज़रूर प्रेजेंट करे। और जो भी कोई भी ऐसा एविडेंस है जो प्रूव कर सके भी जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है, तो वो भी उसको प्रेजेंट करने की उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो ये था रोल आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, क्या जिम्मेवारी रहती है उसकी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। ठीक है, आपको पता ही होगा जज का क्या रोल रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सो जज क्या होता है, जैसे गेम का एक एम्पायर होता है वैसे ही कंडक्ट करवाता है उसको, तो जैसे ही जज भी फैसला लेता है। ठीक है, सो द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जज जो है जितने भी विटनेस आते हैं, ठीक है, जो गवाह आते हैं या फिर प्रेजिडेंट सॉरी जो एविडेंस आता है, ठीक है, सबूत जो आते हैं उसको वो देखते हैं, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो डिफेंस है मतलब जो आरोप लगाता है, प्रोसिक्यूट करता है या फिर जो डिफेंस करता है, ठीक है, उन सभी की बातें सुनी जाती हैं। द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो जज का काम होता है डिसाइड करना कि कोई भी एक्यूज पर्सन गिल्टी है या नहीं, ठीक है, मतलब दोषी है और उसने वो क्राइम किया है या फिर इनोसेंट है या फिर वो निर्दोष है, किस किन बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, जो उसको एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, प्रेजेंट किए गए हैं, और अकॉर्डेंस विद द लॉ और कानून और नियम में क्या प्रावधान है, ये सभी देख करके वो निर्णय लेता है। सो इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। ठीक है, अगर अक्यूज जो है कन्विक्टेड दोषी पाया जाता है तो उसको एज ए पनिशमेंट के रूप में जो है वो सजा देता है। ठीक है, सो ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, जेल भेज सकता है, ठीक है, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कानून में उस क्राइम के बारे में क्या कहा गया है। तो अभी आता है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है, देखिए, लेट अस फॉर मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैपन इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांतिज केस वेरी डिफरेंटली। अगर हम मान लें कि शांति केस को जो जज है वो अलग तरीके से हैंडल करते तो क्या होता, देखिए, व्हाट इफ़ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ चार्जशीट। क्या होता है यदि अगर जो कोर्ट है वो चार्जशीट की कोई भी कॉपी जो है शांति को नहीं देता, या फिर उसके राइट्स हैं कोर्ट के लिए, ठीक है, उनके जो डिफेंस लायर्स हैं वो नहीं जो है उसको अपॉइंट करवा सकते या फिर
जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड नहीं करते, तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है, बहुत सारा भेदभाव जो हो जाता है उसके साथ। एंड वट इफ ही हेल्ड अ ट्रायल इन सीक्रेट लोकेशन वेदर नाइदर शांति और नो सुशील वर प्रेजेंट, और यदि वो ट्रायल को मतलब जो उनकी सुनवाई है किसी ऐसी जगह पे करते जहाँ पे ना ही ना तो शांति और ना ही सुशील प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एक फेयर ट्रायल को चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, ठीक है। एडवोकेट रॉय, जो आपने पढ़ा होगा, शांतिज के जो लॉयर हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, अगर वो भी अगर अपनी भूमिका नहीं निभाती एज ए डिफेंस लॉयर के रूप में, ठीक है, तो वो शायद ही शांति जो है वो अपने आरोप से मुक्त हो पाती, ठीक है। सो इफ दैट हैड हैपन इट वुड बी ए अनफेयर ट्रायल, अगर यदि ऐसा होता तो वो एक अनफेयर ट्रायल होता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, तो एक फेयर ट्रायल के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, प्रक्रियाएं होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 जो गारंटी देता है राइट टू लाइफ की, ठीक है, उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो लिबर्टी या स्वतंत्रता वो नहीं ली जा सकती, ठीक है, स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता बाय ए फॉलोइंग रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसेस प्रोसीजर, किसी भी रीजनेबल या कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो उसकी लिबर्टी है उसको नहीं, आज़ादी जो है उसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इफ फेयर ट्रायल जो है वो ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका उल्लंघन ना हो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि जो शांति का जो केस है, ठीक है, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एसेंशियल फीचर्स है जो हमें दिखाए गए थे स्टोरी के अंदर। सबसे पहला तो ये दिखाया गया था कि शांति को एक कॉपी दी गई थी चार्जशीट की, ठीक है, जो एक फेयर ट्रायल के अंदर आता है, और उसके बाद जो दूसरे एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के वो भी उसके सामने रखे गए थे, और शांति को चार्ज किया गया था, मतलब उसके ऊपर दोष लगाया गया था कि उसने जो है वो चेन और चुराई थी, और जो लॉ की नज़र में ये क्राइम है, कानून की नज़र में एक अपराध है। इसके बाद जो ट्रायल है वो एक ओपन कोर्ट में हेल्ड किया गया, ठीक है, पब्लिक व्यू के लिए लोग जो है उसको देख सकते थे। उसका जो ब्रदर है सुशील जो है वो कोर्ट की हियरिंग्स मतलब जो सुनवाई होती है उसको अटेंड कर सकता था, और जो ट्रायल है जो जो सुनवाई है कोर्ट की वो एक्यूज जो दोषी व्यक्ति है यानी कि शांति है उसकी प्रेजेंस में उसकी उपस्थिति में करवाया गया था, ठीक है। शांति को एक डिफेंस लॉयर मिला फिर, ठीक है, जो एडवोकेट रॉय थी उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली टू क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन क्या होता है कि दोबारा से पूछताछ करना जो भी उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं उसके बारे में, ठीक है। और जो एडवोकेट रॉय हैं उनको भी ये अवसर दिया गया कि वो शांति की डिफेंस में अपने जो विटनेसेस हैं वो प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा पुलिस ने जो है शांति के खिलाफ थेफ्ट केस जो है वो फाइल किया था, ठीक है, वो लगाया था, एंड जजेस अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, और जो उसके लास्ट में जो है जज ने उसको मुक्त कर दिया, ठीक है, इनोसेंट एज ए। सो इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। ये जिम्मेवारी किसके बनती है? प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी बनती है कि जो डाउट है, ठीक है, शांति को गिल्टी प्रूव करने में वो सभी क्लियर किए जाएँ, ठीक है। और इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल रहा, मतलब अपने जो जो गिल्टी प्रूव करना चाहता था, ठीक है, वो नहीं कर पाया। सो इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट। सो क्या ये सिग्निफिकेंट है कि जो जज है वो सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे ही जो डिसाइड करता है कि क्या निर्णय रहेगा किसी भी केस का, ठीक है। जो जज है वो सीधे ही इसी कंक्लूजन पे नहीं गए, हमने देखा है इस चैप्टर के अंदर कि जज ने सीधा ये डिसाइड नहीं किया कि शांति जो है एक थेफ्ट है, क्योंकि वो एक पुअर मेड सर्वेंट है, उसने जो है जितने भी फैक्ट हैं वो सभी सुने। इसके अलावा जो जज है वो इम्पार्शियल रहे, ठीक है, मतलब उन्होंने किसी भी लॉयर का किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया,
और जितने भी एविडेंस दिखाए गए, ठीक है, जितने भी विटनेस जो हैं वो वहाँ पे आए, उनकी सभी बातें सुनी और एक जो फेयर ट्रायल है, एक फेयर जो डिसीजन है उसके ऊपर पहुँचे। तो इसी को बोला जाता है फेयर ट्रायल, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन क्या आता है, निष्कर्ष क्या आता है लास्ट में, कि जितने जो बोनो स्टेट हैं, स्टेट और जितनी पर्संस हैं, ठीक है, उसको हमने इस चैप्टर में जो भी अभी डिस्कस किया है, तो उनके अपने अपने रोल्स रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। स्टेट जो है अपने तरीके से जो है प्रोसिक्यूट करता है केस को, और डिफेंस लॉयर जो हैं, जो पर्संस अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो लॉयर नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है, व्हाट डज दिस मीन, दैट दे ऑल नीड टू वर्क टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स, गेट ए फ्री ट्रायल। और इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी आदर्श, ठीक है, बैकग्राउंड से हो, तो उसको सभी को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष जो सुनवाई होती है वो उसकी होनी चाहिए। और रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी बराबर रहते हैं, ठीक है, और सभी को फेयर ट्रायल देने का अधिकार रहता है, ये हमारा संविधान भी कहता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू।